तहसील सबलगढ़ के ग्राम टोंगा में लगभग 130 साल पुराना ये स्टेट टाइम का सिंचाई का तालाब था, जिसमें कल शाम को लगभग 6 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई जिसकी तलहटी से जगह गड्ढा हो जाने से वहाँ से रिसाव पानी का हो रहा था। तत्काल राजस्व पुलिस और जल संसाधन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और उन लोगों ने पानी निकासी के लिए 3 ऑल्टरनेट व्यवस्थाएं करके वेस्ट केयर एक जगह तोड़ते और 2 जगह स्लूज गेट ओपन करके कनाल के माध्यम से पानी को डाइवर्ट किया। और आज सुबह जब फिर प्रेशर ऑलरेडी बंड पे कम था, उस दौरान फिर बंड एक जगह पे जो क्रैक हुआ 6:20 के लगभग, तो उसके बाद निचले क्षेत्रों में जो हमारे 4 गांव इससे प्रभावित होने वाले थे, कुछान, देवपुर और इकोटोंगा गांव जो हमारा था, तो वहां पे टीम भी हमारी एक्टिव थी। उन्होंने मुनादी भी पहले करा दी थी कि लोग भी अलर्ट होते थे, कहीं घरों में पानी घुसने जैसी कोई शिकायत नहीं है, ना ही कोई जनहानि या पशुहानि रिपोर्ट। उसके लिए हम लोगों ने अभी प्रारंभिक ड्रोन सर्वे अपना करा लिया है। एक बार पानी का लेवल उतर गया, उसके बाद फिर एक भौतिक सत्यापन मौके पे होगा, जिससे जिसका भी अगर कहीं पे नुकसान हुआ है तो आगे की चेतावना अनुसार ये लोग सारे लोग नुकसान। प्रधान सिंह मेरा गाँव का जो क्या चीज़ थी, पहले थोड़ा सा दरार थी, उसमें से बढ़ता चला गया और माड़ी गिरने लगी। उसके बाद प्रशासन आया था, उन्होंने कहा ये नहीं रोक सकता और चालू हो गया सुबह 8:05 बजे से। प्रशासन ऐसे छोड़ के चला गया, कोशिश नहीं की इसको बंद बंद करने का। आया था मशीन आने की, आई थी लौट गई। और ये कच्ची पार किसने बनाई थी, आप लोगों ने बनाई थी या प्रशासन ने? प्रशासन ने बनाई थी। क्या था ये, तालाब था, नदी थी, नहर? तालाब था। तालाब लगभग इससे कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? 15 से 20। पूरी फसलें बर्बाद हो गई, पूरी फसलें बर्बाद हो गई। प्रशासन से मुआवजे की कोई उम्मीद बताइए? क्या पता देंगे या ना देंगे। अभी इससे लाइट वाइट की क्या स्थिति है? लाइट नहीं है बिल्कुल भी गाँव में, रात से। बारिश कब से हुई है? बारिश नहीं है, दो माने अभी गई है, हुई है, थोड़ा हुई थी, थोड़ा सा हुई थी। ये कब तक ऐसे लगता है, कब तक खाली हुआ आपको लगा, कुछ लगता है? आने 2 दिन लग जाएंगे शायद। कृष्ण राम मीना, यही टोंगा। ये सुबह ये दोपहर 4 बजे के टाइम पर छोटा सा गड्ढा था, जो कि एक आम आदमी लैटिंग करने के लिए आया था, उन्होंने बताया कि तालाब में भेद बढ़ गया है। तो वहाँ पर फिर फोन लगाया था जो कर्मचारी हैं जो तालाब के, उनके लिए तो वो बढ़ता चला गया 8-9 बजे के टाइम पे। तो 2 बजे के टाइम पे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जो विधायक साहब है वो भी आए थे, उन्होंने देखा कि इनको सुबह देखते हैं, जो परिस्थितियाँ ताकि तो बढ़ती चली जा रही है, जो समस्याएं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। फर्नीचर वाले गांव ने जो साले का पड़ा है वो खाली कर दिया गया, अनाउंसमेंट कर दिए, पूरा गांव खाली करा दिया गया। क्या नाम बताया? सालियापुरा, जो पंचमुखी है उधर की साइड भी पानी चला गया है, और जो कुरीपुरा है अपने वहाँ भी पानी है इधर की साइड, और जो फसल है ना जो नीचे की साइड जो फसल है पूरी नष्ट हो चुकी है। यार रानीपुरा है, रामपुरा, एडवा इधर की साइड भी जा रहा है पानी, रानीपुरा का पानी पहुंच रहा है, 8-10 गांव है जो नीचे की साइड है वो भी प्रभावित हुए इस पानी से। लाइट वाइट की क्या सुविधा? लाइट वगैरह तो बंद है, जो बिजली के खंभे हैं वो भी टूटे डले हैं, सब टूटे हैं और पानी का वेग बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।